फ्रेंड्स, आज हम बनाने जा रहे हैं मैंगो स्मूथी आइसक्रीम। उसके लिए हमें जो भी मटेरियल चाहिए वो ये है: दो बड़े आम और मिल्क पाउडर एक कटोरी, ड्राई फ्रूट कटा हुआ और चीनी पिसी हुई 4 चम्मच, एक कटोरी दूध, एक कटोरी फ्रेश मलाई और 2 मैंगो कटे हुए, चॉप किए हुए, ऐसे उनको स्मूथ किए हुए। सबसे पहले हमें क्या करना है, मलाई और मिल्क पाउडर और मिल्क और शुगर को ग्राइंड करना है, या मिक्सी में भी कर सकते हैं और अपने हाथ से भी कर सकते हैं। अच्छी तरह ग्राइंड करना है ताकि जो मटेरियल है वो एकदम थिक हो जाए, गाढ़ा होना चाहिए मटेरियल। इसमें आप मिल्क पाउडर की जगह आप फ्रेश क्रीम भी यूज़ कर सकते हैं या कंडेंस मिल्क भी यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद आपने इस मटेरियल को हाफ ऑफ कर लेना है। हाफ मटेरियल में आपने मैंगो जो किया हुआ है मैश, उसको इसमें डाल के अच्छी तरह मैश कर लेना है। अगर आप वाइट पोर्शन ज़्यादा रखना चाहते हैं तो मैंगो की क्वांटिटी हाफ कर दीजिए या मिल्क पाउडर 2 कटोरी डाल लीजिए। उसके बाद ड्राई फ्रूट ऐड कर देने आप अपने मर्जी से, जो भी आपको पसंद है। और जमाने के लिए इसको आपने कोई भी कंटेनर में भी आप इसको जमा सकते हैं या ऐसे डिस्पोजल ग्लास वगैरह में भी जमा सकते हैं। मैं आपको दोनों तरह से दिखा रही हूँ। जो भी वाइट पोर्शन है वो आप मैंगो मैश वाले मटेरियल के ऊपर डाल दें। इसमें आपको एक बात का ध्यान ये रखना है कि आपने इसको डायरेक्ट फ्रीजर में नहीं रखना, इसको आपको पहले फॉइल से ढकना है या जो भी आप बटर पेपर वगैरह से इसको अच्छी तरह ऐसे ढक के कवर करके फिर आपने 5-6 घंटे के लिए फ्रीज़र में रखना है। बिल्कुल भी इसमें हवा नहीं लगनी चाहिए, नहीं तो आपकी आइसक्रीम स्मूथ नहीं जमेगी, बर्फ़ की तरह जमेगी। और इस तरीके से आप जमाते हो तो आप एकदम बाजार की आइसक्रीम की तरह सॉफ्ट और बहुत ही टेस्टी आइसक्रीम जमेगी। ऐसे आप रबड़ भी लगा सकते हैं। चलिए अब इसको फ्रीजर में रख देते हैं। पाँच छः घंटे हो चुके हैं फ्रेंड्स। अब आपको सिंपली इसको थोड़ा सा पानी में रख सकते हैं या ऐसे आप थोड़ा सा इसको हिला के बस आप इसको पलट दीजिए। मेल्ट होने से पहले पहले आप इसको सर्व कर दीजिए। देखिए बहुत ही टेस्टी और स्मूथी मैंगो आइसक्रीम बनी है। आप एक बार फ्रेंड्स ज़रूर ट्राई कीजिए। अगर आपको टेस्टी और अच्छी लगती है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर